हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन सूप। सो आई होप गाइस अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, आज हम लोग का अपडेट आने वाला 0.19.0 का। और उससे पहले ही एक चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है पबजी मोबाइल की तरफ से, वो है अनरैंक क्लासेस, जिसके बारे में आज हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले। और इससे पहले कि मैं आपको अनरैंक क्लासेस के बारे में डिटेल में बताऊँ, मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अभी पबजी मोबाइल का अपडेट आया नहीं है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और फेक वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि बहुत लोग मैनिपुलेट करेगा आपको कि ये लिंक में क्लिक करो, वो लिंक में क्लिक करो। अभी आया नहीं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखेंगे तो प्ले स्टोर में अपडेट आ जाएगा, मेरा भी अभी तक आया नहीं है। जैसे ही आ जाएगा तब आप उधर से डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे, आपका थोड़ा नेट भी कम लगेगा। थोड़ा सा आप रुकेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो बहुत लोग आपका फ़ायदा उठाएगा, लिंक शॉर्टनर में क्लिक करने बोलेगा, ऐड देखने बोलेगा, तो बहुत सारा झमेला है। पेशेंस रखेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा फ़ायदा मिलेगा। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं अनरैंक क्लासिक के बारे में, जो कि मैं ऑलरेडी पैच नोट में बता दिया था। इवन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये काम करने वाला। तो जैसे कि आप देख पा रहे, मेरा जो लीग आप देख पा रहे एस लीग है, मतलब मैं अभी केवल एस में हूँ। तो अगर मैं यही एस लीग में ख़त्म करता हूँ ये सीज़न 13 को, तो मेरा जो रैंक होगा वो प्लेटिनम 3 में ख़त्म होगा। ठीक है, इधर आप देख पा रहे अनरैंक क्लासिक में अगर मैं इसमें क्लिक करूँ वार्म अप में, तो इधर आप देख पा रहे प्लेटिनम 2 में मेरा ख़त्म होगा। और अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, और इससे अगर हम नीचे जाएंगे तो ये लीग जो होता है ये नीचे हो जाएगा। तो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं एस अभी हूँ और मान लेता हूँ हम लोग एस में ही ख़त्म करता हूँ, और मैं ऊपर भी नहीं जाऊँगा नीचे भी नहीं जाऊँगा, तो अगर मैं अनरैंक क्लासिक नहीं भी खेलूँगा तो मेरा जो रैंक होगा वो रीसेट होकर प्लेटिनम 2 में आ जाएगा। तो सीज़न 14 में मेरे को प्लेटिनम 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट जैसे कि मैं बताया कि अनरैंक क्लासिक एक ऐसा मोड है जहाँ आप मैचेस खेलेंगे तो आपका ट्रॉफी ना ही प्लस होगा ना ही माइनस होगा। बट एक फ़ायदा है कि अगर आप इसका मिशन सब कंप्लीट करेंगे तो जब ये सीजन टियर जो क्लासिक मोड का जो सीजन टियर रिसेट होगा सीजन 14 में, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अनरैंक क्लासिक, तो हम लोग का जो सीजन 14 है वो आने में 7 दिन बचा हुआ। तो ये अनरैंक क्लासिक जब भी नया सीजन आएगा उसका 7 दिन पहले आएगा, फिर वापस से चल जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि ये जो चारों मैप है इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। पबजी मोबाइल रैंडमली आपको कोई भी मैप दे देगा, जैसे रैंक एरिना में होता है ना, रैंडमली कोई भी मैप दे देता है, तो वैसे आपको ये क्लासिक मैप में भी कोई भी रैंडमली मैप दे देगा। और इसमें आपका ट्रॉफी ना ही प्लस होगा ना ही माइनस होगा, आपको सिंपली ये जो मिशन सब है इसको कंप्लीट करना होगा। जैसे कि आप देख पाए सर्वाइव 30 मिनट इन क्लासिक मोड एवरी डे, तो आपको ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। डिफीट 5 एनिमीज इन क्लासिक मोड एवरी डे, तो ऐसे करके बहुत सारे मिशन है। फिनिश फर्स्ट प्लेस इन मैच इन क्लासिक मोड, तो फर्स्ट प्लेस करेंगे तक को ये मिलेगा। और ऐसे करके 4-5 मिशन है, मिशन 5 है। और ये जो काउंटडाउन है वार्म अप मिशन का, या जो अनरैंक फीचर है 7 दिन के लिए। आप देखेंगे ये सब जो मिशन कंप्लीट करेंगे तो ये जो पॉइंट आप देख पा रहे +5 +5 +10 +10 +10, तो ऐसे करके पॉइंट आपको मिलेगा। और ये पॉइंट आप देख पर इसमें बढ़ेगा, तो मान लीजिए आपका जो नया सीज़न स्टार्ट होगा तो इसमें जो लीग आपका बढ़ेगा धीरे धीरे करके। मान लीजिए आप बहुत खेल लिए 7 दिन अनरैंक, और ये आप देख पा रहे लीग को, ये जो आप बाहर देख पा रहे हैं 3000 आप देख पा रहे, तो ये बार को आपने पॉइंट बढ़ा बढ़ा के मिशन कंप्लीट कर दिए इसको अप कर दिए प्लेटिनम 1। तो ये होगा कि आपका जब एस टीयर में आप ख़त्म करते और नया सीजन स्टार्ट करते, दूसरा बंदा जो अनरैंक क्लासिक नहीं खेलेगा उसका प्लेटिनम 2 से स्टार्ट करने पड़ेगा उसका जर्नी। बट अगर आपने इतना ज़्यादा अनरैंक खेला और ये सब जो पॉइंट ये गेन कर लिया, तो आपको करना होगा प्लेटिनम 1 में। इसमें यह होगा कि आपको अपने फ्रेंड से 100 ट्रॉफी 200 ट्रॉफी जितना आप कर पाए 7 दिन में उसका बेनिफिट मिलेगा। उससे आपको कम मेहनत करने पड़ेगा नेक्स्ट सीजन में एस आने के लिए। आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये जो पॉइंट आप अर्न करेंगे, मिशन जो कंप्लीट करेंगे, ये जो पॉइंट आपको मिलेगा एक्स्ट्रा पॉइंट, ये सब पॉइंट ये मतलब बार आप देख पा रही है बार में बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा, तो जैसे ही आप 3100 कर देंगे तो ये जो आप देख पा रहे प्लेटिनम 2 है ये प्लेटिनम 1 हो जाएगा। और अगर मैं एस लीग में ही ख़त्म कर देता हूँ सीज़न 13 को, तो मेरा प्लेटिनम 1 से स्टार्ट होगा। दूसरा बंदा जो अनरैंक क्लासिक नहीं खेले उसका प्लेटिनम 2 से स्टार्ट होगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता दिया था। अभी आपके सामने प्रैक्टिकल है, तो ये आप 7 दिन के लिए कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मुझे लगा ये इवेंट, क्योंकि बंदे लोग का इतना मेहनत करने के बाद भी रीसेट हो जाता तो वही हो जाता। बट ये अनरैंक क्लासिक में ये होगा कि आप बिना डरे खेलिए, ना ही आपका ट्रॉफी माइनस होगा ना ही
प्लस होगा, बट अगर आप मिशन सब कंप्लीट करते हैं इसको देख देख के, तो इनडायरेक्टली आपका ट्रॉफी प्लस होगा। कैसे प्लस होगा मैं आपको समझा दिया कि जब आपका सीजन रिसेट होगा तो आपका नेक्स्ट जो सीजन स्टार्ट होगा तो आप दूसरा बंदे का प्लैटिनम 2 से स्टार्ट होगा, अगर वो एस में ख़त्म करता है आपका प्लैटिनम 1 में ख़त्म होगा, क्योंकि आपने अर्निंग क्लासिक खेला है और ये सब मिशन सबको कंप्लीट किया। जैसे कि आप देख पा रहे ये चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था। सो आई होप अगर कंप्लीटली समझ में आ चुका है ये अनरैंक क्लासिक का क्या फ़ायदा है। सिंपली आपको मिशन सब कंप्लीट करना है और मिशन से जो पॉइंट मिलेगा वो आपको नेक्स्ट सीजन में फ़ायदा मिलेगा जब सीजन टीयर रिसेट होगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये अनरैंक क्लासिक, आपको मैं डिटेल में बता दिया। वैसे मैं आपको पबजी मोबाइल का न्यू लोगो दिखा देता हूँ, ये लोगो है, बहुत ही जल्दी अपडेट आ जाएगा, जैसे अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कोई भी फेक वेबसाइट पर मत जाइए, आपका इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट बोलता है वैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि कभी भी आप फेक वेबसाइट पर मत जाइए। तो फिलहाल के लिए मेरा काम इतना ही था, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।